सो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम बैक टू एमडीज़ कुकिंग अरीना। जो आज जो हम चीज़ बनाने जा रहे हैं वो है मलाई बोटी। इंग्रेडिएंट से वैसे आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन आज हम मलाई बोटी बनाने जा रहे हैं। फुल ऑथेंटिक भाई थाई के मीट से मलाई बोटी रेडी होती है, उसके अलावा कोई मीट नहीं है जिससे मलाई बोटी रेडी होती है। सेकेंडली, हम एक बहुत अच्छी फूड होटल इंडस्ट्री में काम करते थे, तो हम क्या मैं ही काम करता था यार, यानी हम लगे हुए, तो वहाँ पे इस तरह की मलाई बोटी जो है वो चलती थी और वो बहुत फेमस थी। मैं अब चेन का जाहिर सी बात है वो होटल का नाम नहीं लूँगा। मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर क्या जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले जो स्टेप है वो है मैरिनेशन का स्टेप। मैरिनेशन रेडी करनी है, तो मैरिनेशन रेडी के लिए फर्स्ट स्टेप में क्या है, ये देखें, ये मेरे पास जो है तकरीबन छोटा सा टुकड़ा, इतना सा आप कह सकते हैं, ज़्यादा टुकड़ा नहीं होता बड़ा, वो इतना सा तकरीबन टुकड़ा होगा अदरक का, वो है 4 से 5, ये आधा किलो की रेसिपी दे रहा हूँ मैं आपको, आधा किलो मैरिनेशन की रेसिपी मैं आपको दे रहा हूँ। ये तकरीबन इतना सा टुकड़ा होता है अदरक का, वो मैं यूज़ करूँगा। उसके बाद 6 से 7 दाने जो हैं वो लहसुन के हैं, 3 से 4 हरी मिर्चें। अच्छा, ये मैं आपको दिखा दूँ, बड़ी वाली हरी मिर्चें, ये बेसिकली कड़वी नहीं होती या मिर्ची नहीं लगती, इससे क्या होता है फ्लेवर, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास दूसरी हरी मिर्चें हैं तो भाई काइंडली उसके सीड जो है वो निकाल लीजिएगा, क्योंकि सारी मिर्चें सीड्स में होती हैं। और थर्ड बात ये है कि मेरे पास छोटा सा, इतना सा भाई मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, इतना सा मेरे पास एक ऑनियन था, वो मैंने हाफ डाला है, ठीक है। अनियन डालने का इसमें ये जो फ़ायदा है कि वो हमारे गोश्त को बहुत ज़्यादा टेंडरनेस देगा, मल्सीफाई करेगा, जो प्रोटीन का ऊपर जो, सॉरी, हमारा चिकन है उसके ऊपर जो जो इसके ऊपर हार्ड प्रोटीन फाइबर लेयर्स होती हैं, ठीक है, वो बेसिकली ब्रेक डाउन करने में काम करेगा। और ये इसी के साथ साथ 2 टेबलस्पून में ऑयल डालूंगा, पानी डाल के आपने इसको ब्लेंड नहीं करना, ठीक है भाई, पानी डाल के ब्लेंड ना करिएगा, फिर हमारी जो मलाई बोटी है ना वो ऐसी शोरबा मलाई बोटी बन जाएगी। तो हमने शोरबा मलाई बोटी नहीं बनानी, तो इसको हमने लेना है, इसको मैं ब्लेंड करता हूँ। तो देखें कितना, अब ये देखें मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखें, ये जो मिक्सर बन गया वो थोड़ा थिक थिक है, पानी पानी नहीं हो रहा, तो ये हमने इसको साइड पे कर लेना। सेकंड स्टेप द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, चिकन की कटिंग भाई, चिकन की कटिंग। अच्छा, इसमें ना थाई के अंदर ये एक बोन होती है जो कि कसाई नहीं निकालते, ये जो जिसको वो घुटने की ऊपर वाली हड्डी होती है जिसको हम कुड़कुड़ी हड्डी भी कहते हैं, तो इसको हमने क्या करना, सिंपल ये हम निकाल देंगे, ठीक है। ये देखें, ये हमने थोड़ा सा बैक नाइफ लेनी, नाइफ का बैक वाला हिस्सा थोड़ा सा हमने इसको ज़रा मारना शारना है ताकि ज़रा गोश्त थोड़ा सा टेंडर हो जाए, क्यों, ज़रा इसकी टेंडरनेस को लाने के लिए, तो इसलिए ये देखें, ये 3 पीसेस की हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो भाई ये हम बाउल ले लेंगे एक, और इसमें हम ये ऐसे ऐसे डाल देंगे, ठीक है, सिंपल इज दैट, कोई ज़्यादा मसला नहीं है, फिक्र ना फाका ऐश कर काका, क्यों। ये देखें भाई, ये एक छोटा सा थाई का पीस था तो मैंने ये ऐसे करके डाल दिया। अब बाकी भी ये देखें, बाकी भी आपको बता रहा हूँ सिंपल, ये हमने इसमें सिर्फ ये एक हड्डी सी होगी, किसी को बहुत पसंद होती है, किसी को बिल्कुल नहीं पसंद होती, तो भाई सिंपल निकाल दें आप इसको। तो ये देखें, 1, 2 एंड 3, ठीक है। ये मेरे पास 1/2 टीस्पून मस्टर्ड है, बिल्कुल लाइट फ्लेवर देगा पंच करने के लिए, हमारी मलाई बोटी को पंच करेगा। सीक्रेट टुडे, द सीक्रेट इंग्रेडिएंट इज मस्टर्ड, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, ऑप्शनल है, ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये मेरे पास 50 ग्राम फ्रेश क्रीम डब्बे वाली। अच्छा, ये जो है ये 1/2 टीस्पून, आधा किलो की मैरिनेशन है, आधा किलो चिकन की मैरिनेशन है, 1/2 टीस्पून मेरे पास जो है वो है ये ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून मेरे पास वाइट पेपर है, और भाई ये वही अदरक अदरक लहसुन हरी मिर्चें और प्याज का पेस्ट है, ठीक है। तो ये मेरे पास योगर्ट था, 1 पाव दही था जिसको मैंने हैंग कर लिया था, ठीक है, ये आप सिर्फ कोई भी कपड़े मलमल के कपड़े में डाल के इसको हैंग कर सकते हैं। तो इसमें हम हैंग योगर्ट शामिल करेंगे भाई,
अगर हम दूसरा दही डालेंगे तो उससे क्या होगा, डाल तो आप वो भी सकते हैं अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा दूसरा वो है, इसमें पानी ना हो, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा पानी पानी हो जाता है। पानी पानी नहीं करना भाई आपके मैरिनेशन को। ये देखें, ये देख रहे हैं आप किस तरह ज़बरदस्त सा योगर्ट निकला। तो अब चलते हैं हम मैरिनेशन के प्रोसीजर की तरफ। मैरिनेशन के प्रोसीजर के लिए यही वो सेम अदरक लहसुन प्याज और मिर्चों का पेस्ट जो है ये मैं इसमें शामिल कर लूँगा, ठीक है। इसी के साथ साथ वाइट पेपर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ये मेन्यू कार्ड पे आपको ऊपर शामिल, मैंने आपको शुरू में बता भी दिया कितनी कितनी, और मेन्यू कार्ड पे भी ऊपर लिखा हुआ है कि कितना कितना आपने डालना है। और ये हमारे पास मस्टर्ड है एंड द बेस्ट पार्ट द क्रीम पार्ट। ठीक है, तो अब हम इसको अच्छे तरीके से जो है भाई हाथ गंदे करने पड़ेंगे इसमें, क्योंकि जब तक हाथ गंदे नहीं होंगे ना फिर वो मज़ा नहीं आएगा। क्यों भाई ऐसे ग्लव चढ़ा के और ऐसे, वो फिर वो मज़ा नहीं आता ना, क्यों फैनी भाई। भाई इसके साथ हम सोच रहे हैं कि थोड़ा ज़रा हम जो हमारी बेल पेपर होती है उसको भी थोड़ा सा काट लें, और फिर वो उधर बड़ी अच्छी लगती है मलाई बोटी के साथ। तो हम इनको भी देखें, बारबेक्यू भी कर सकते हैं, ग्रिल भी कर सकते हैं, तो हम इनको ग्रिल करेंगे। और ये हम मैरिनेशन में डाल देंगे, ठीक है। इसको साथ जो है वो थोड़ी सी ज़रा ज़रा मैरिनेट हो जाए ना, ज़रा अच्छी सी लुक आ जाए, ज़रा मज़ा आ जाए, ठीक है। ज़्यादा हम इसकी मैरिनेशन में ऑयल नहीं डालेंगे, और ऊपर से ऑयल भी लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बेसिकली जो थाई होती है उसमें अपना भी फैट काफ़ी ज़्यादा, फैट लेवल ब्रेस्ट से ज़्यादा होता है, और सेकेंडली हमने ऑयल के अंदर इसको मैरिनेट किया। आप देख सकते हैं कि ये मैंने अपनी जो अंगीठी है या बारबेक्यू ट्रे है उसमें कोयले कोयले सेट कर लिए, इनको मैंने इतना जला लिया कि ये रेड हो गया, और हीट का जो लेवल है वो काफ़ी तेज़ है। थोड़ा सा हम इसके ऊपर से जो इसका जो वाइट वाइट पाउडर है वो उड़ाएंगे, और अब जो है वो ये देखें, तो जो हमारे पास पीसेस थे मलाई बोटी के वो हम सिंपल, अच्छा आप सीखों पर भी लगा के कर सकते हैं, तो सीखें ज़रा हमारे पास आज ज़रा मिसिंग मिसिंग हो गई हैं, तो आज जो है हम अच्छा इस मैरिनेशन को जो है वो हम अपने सॉस की में भी रेडी कर सकते हैं। इसी को अगर हम थोड़ा सा कुक कर लें, और ये मैं भी आपको दिखाता हूँ, उसको कुक करके हम साइड पर रख सकते हैं, तो इसको हम तकरीबन 3 से 4 मिनट एक साइड से पकाएंगे, 3 से 4 मिनट सेकंड साइड से। जी तो अब हम इसकी साइड टर्न कर रहे हैं, 4-5 मिनट हो गए हैं इसको। तो इसके बाद इसके ऊपर ये हम ऑयल की ब्रशिंग करेंगे, अपनी वेजीज के ऊपर, अपने इसके ऊपर एक ऑयल की जो है वो ब्रशिंग होगी। इसके बाद जो है हम इसकी साइड्स चेंज करेंगे, एंड के ऊपर ये मेरे पास थोड़ा सा गरम मसाला है, ठीक है, जो हमने एंड के ऊपर जो इसका फ्लेवर देता है ना भाई, वो ये बाद में या पहले कभी भी नहीं दे सकता। थोड़ा सा वेजी इसके ऊपर भाई, फुल देसी टच दे रहे हैं हम इसको, जो फुल देसी भाई एकदम इंग्लिश स्टाइल में निकल जाए इस वक्त जब आप
देसी काम कर रहे हैं तो इंग्लिश से निकल जाए भाई। उसके बाद ये थोड़ा सा हम इस पर, ये ज़रा ज़रा सा ये ऑयल ब्रश करेंगे जिससे ज़रा शाइन आएगी। ठीक है बॉस, तो ये उसके बाद हम इसको करेंगे डिश आउट। तो गरम मसाला डाला, थोड़ा ऑयल लगाया, ये मेरे फ्रेश जो है घर के लेमन हैं, ये हम इसके ऊपर थोड़ा सा भाई फुल जब देसी टच दे रहे हैं, फिर देसी ऑथेंटिक टच देना चाहिए ना, फिर रोकना नहीं चाहिए, रिचनेस नज़र आनी चाहिए। ठीक है, उनका जेस्टी फ्लेवर है फ्रेश लेमन का, उसका कोई मुकाबला नहीं है, ज़बरदस्त। तो भाई अब हम इसी करते हैं प्लेटिंग, सिंपल ये देखें नान, तो इस ऊपर हम करेंगे इसकी प्लेटिंग, ये देखें ये पीसेस हम निकालते जाएंगे और ऊपर रखते जाएंगे। भाई अच्छा, मैंने नान के ऊपर इसलिए मैं इनको रख रहा हूँ कि जो इनका जो जूसेस अभी ये जो छोड़ेंगे ना भाई, वो नान कर लेगा अब्जॉर्ब, और उसके बाद जो है ना वो जो है ना वो हो जाएगा फिर तबाही काम, तबाही से भी तबाही, एक्सट्रीमली तबाही काम। तो अब जो है हम अपनी बेल पेपर्स को उतार लेंगे। ठीक है, बेल पेपर्स, ओ जबरदस्त जबरदस्त। और भाई ये तो इसी हमने साथ में ले लिया ये, थोड़ी सी मिर्ची जबरदस्त सी, भाई ऑनियन, ओ भाई ऑनियन, ओ भाई ऑनियन हाथ लग जा भाई। उसके बाद एक जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है ना भाई, जो आपने भूलना नहीं है, वेजीज को जो है ना सीजन करते रहा करें, वेजीज के ऊपर नमक हल्का सा ज़रा छिड़क दिया करें ताकि वेजी जो है ना वो रूखी रूखी ना लगे जी। तो देख सकते हैं ज़बरदस्त सा हमारा बारबेक्यू मलाई बोटी जो है वो रेडी हो चुकी है, जो अब मैं नहीं रोक सकता, अब ना मैंने रोकी भाई, इसका मतलब है भाई मुझे ना रोकी। अच्छा तो ये देखें ज़बरदस्त सी, हम ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं किस तरह ज़बरदस्त, ये इसके साथ ये देखें, ठीक है, देख रहे हो। मैं आपको ना खाने का तरीका बता रहा हूँ उस्ताद जी, आपने बाद में खाना कैसे, ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको खाने का तरीका बताता हूँ। ओहो सॉरी, लेमन ही निचोड़ा भाई, ओहो ठीक है, समझ गए, समझ रहे भाई। तो ये देखें, ये ज़बरदस्ती बाइट रेडी हो चुकी है, और ये हमारा बहुत बहुत ज़बरदस्त, बच्चों के लिए तो फेवरेट, जो मिर्ची नहीं खाते उनके लिए तो बहुत बेस्ट है। सेकेंडली इसके फ्लेवर बहुत ही बिल्कुल लाइट से हैं, एक चटपटापन है, एक देसी टच है, बहुत ज़बरदस्त है। आप इस वीडियो को ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएं भाई, मस्ट है कि आप इसको बना के देखें, आपको मज़ा आ जाएगा। और सब्सक्राइब तो भाई आप करते रहा करें, ठीक है, और लाइक शेयर भी कर दिया करें। तो अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।